नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रयागराज.com। जी हाँ दोस्तों, जो कि पहले kingcraft.com था, अब प्रयागराज.com है, यानी कि प्रयागराज रिजल्ट यूट्यूब चैनल। बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है, मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग सर्विस से ड्राफ्टमैन एंड सुपरवाइजर की भर्ती है। ऑल इंडिया जॉब है। इसका सिलेबस, इसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, फॉर्म को पूरा कैसे भरना है, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, लिंक, वेबसाइट, सब कुछ चीजों पे मैं आज बात करने वाला हूं। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा kingcraft.com वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहां पर आ जाएंगे। तो यहीं से आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इस फॉर्म को भरने के लिए इसका इंपॉर्टेंट डेट जो है वो 22/3/2021 से आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म की भरने की लास्ट डेट 12/4/2021 है। एग्जाम फीस जमा करने की लास्ट डेट 12/4/2021 है। एग्जामिनेशन डेट 16/5/2021 को होने वाला है। एडमिट कार्ड मई 2021। अब मई में किस डेट को आने वाला है, कैसे मिलेगा, वो पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आप परेशान हो जाते हो किसी कारणवश से, अभी नहीं जब आने वाले टाइम पे, तब आप उसके लिए आप मुझे मेरे इस ट्विटर अकाउंट पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने से क्या होगा कि जैसे इस वैकेंसी को अभी वीडियो में बना रहा हूँ, बनाते समय मैंने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे ट्विटर अकाउंट पर मैंने डाल रखी है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके साथ ही इसी जॉब की ये सिलेबस भी मैंने यहीं पर डाल रखा है, तो इस सिलेबस को आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ से आपको फॉलो करने से आपको नई नई जॉब की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए अब आगे देख लेते हैं। तो ये रही मैं इंपॉर्टेंट डेट्स। अब मैं देख लेता हूँ इस फॉर्म का जो फीस है। जनरल के लिए अगर आप देखेंगे, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए तो 100 रुपये मात्र देना पड़ेगा। एससी एसटी के लिए मात्र 0 रुपीज। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पैसे जमा कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एज की, तो 12/4/2021 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए। एज में जो रिलैक्सेशन मिलेगा उसके लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि कितना आपको क्या कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल। तो टोटल पोस्ट की बात करता हूँ तो 502 पोस्ट है। पहले पोस्ट का नाम अगर मैं देखता हूँ तो ड्राफ्टमैन के है, नक्शा निवेशी, तो इसमें 52 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्किटेक्चर में डिप्लोमा आप किए होना चाहिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। कैटेगरी वाइज अगर आप देख लेंगे तो वैकेंसी कितनी है, जनरल के लिए 21, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी एसटी के लिए क्रमशः 8 और 4 है। टोटल पोस्ट 52 है। अब दूसरे पोस्ट की अगर मैं सुपरवाइजर की बात करता हूं तो यहां पर सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए 450 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैं पूरा पढ़ देता हूं। 1 साल का अनुभव आपके साथ होना चाहिए, या फिर अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी, व्यवसाय अध्ययन, सार्वजनिक प्रशासन में मास्टर डिग्री हो, या तो ये आपके पास डिग्री हो, ध्यान देना, या फिर और में है। ये दोनों डिग्रियां नहीं है, 1 और 2, या फिर और 2 ईयर के अनुभव, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। मटेरियल मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, परचेजिंग, लॉजिस्टिक में डिप्लोमा के साथ 1 साल का इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, बिजनेस स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास क्या होने वाला, क्या आपके पास डिग्री है। तो इसके पास यही एलिजिबिलिटी है सुपरवाइजर इस पोस्ट को भरने के लिए। अब अगर मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख लिए, जनरल के लिए 183 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 120 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 45 है, एससी एसटी के लिए कम से 69 और 33 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 450 पोस्ट हैं सुपरवाइजर के लिए। उसके बाद अगर आप देख लेते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ढेर सारे एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे। तो इसी तरह आप देख सकते हैं प्रयागराज यानी इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, भोपाल, जयपुर, रांची, नागपुर, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, तो इसी तरह ढेर सारे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सेंटर एग्जामिनेशन। तो जो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं या फिर नियरेस्ट सिटी जो भी है, आप उसको सेलेक्ट करके आप एग्जाम देने जा सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इसका नोटिफिकेशन, इसका सिलेबस वगैरह कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे ही मैंने टैग करके रखा है वेबसाइट, नोटिफिकेशन, सिलेबस एंड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो आइए देख लेते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है, क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए जो भी फॉर्म भरना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं आप यहाँ पर सिलेक्ट करके जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ।
ठीक है, तो ये तो मैं ऐसे रेंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख के करना होगा कि हाँ आपने क्या भरा है। तो देखिए मैं फटाफट भर देता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो मैंने थोड़ा बहुत इसको भर दिया है एज अ डेमो पर्पस। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने देखिए सुपरवाइजर सेलेक्ट कर लिया है, और जो लिखित में परीक्षा केंद्र है वो सारी चीजें आपको मैंने भर दिया, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर मैंने तीन ऑप्शन मिले थे तो मैंने भर दिए तीन जगह। रेंडमली भरा है मैंने, ऐसे कुछ नहीं है, एक तरह का एक डेमो है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको भी भर लेना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आपका परमानेंट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको भर लेना है, मैंने यहाँ नहीं भरा है। उसके बाद देखिए वर्क एक्सपीरियंस क्या होने वाला है, जो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो यहाँ पर भर लीजिए। इसके टर्म्स कंडीशन को सेलेक्ट कीजिए, यस आपका स्थान जो भी है वो भी आप भर लीजिए, और उसके बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ पे इंटर कर देना है। कैप्चर कोड को भरने के बाद यहाँ पर सेव एंड एडिट का ऑप्शन आएगा, तो सेव एंड एडिट करेंगे। सेव एंड एडिट करने के बाद क्या होता है कि ये जितना भी आप फॉर्म भरे रहेंगे ये सब सेव हो जाएगा और एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। देन आपके मोबाइल नंबर पर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा, एडिट का ऑप्शन आता है तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सेव करके निकल जाएंगे। जैसे ही आप एडिट करके सेव पर निकल जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट पर होम पेज पर दोबारा आ जाना है कुछ इस तरीके से। देन आपको क्या करना है, आप वही लॉगिन के ऑप्शन पर आ जाएंगे, लॉगिन के ऑप्शन पर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक किया था, तो देन आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करें, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला होगा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करके लॉगिन के बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको अपना सारा क्वालिफिकेशन वगैरह जो आपने भरा है वो भर के भरा ही होगा। देन आपको क्या करना है, यहीं से आपको पेमेंट फुलफिल कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। एक चीज और बता दूं, आपको जो सिलेबस चाहिए वो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा, मैं दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये फॉर्म भरने का, क्योंकि मैंने तो डेमो बताया, अब पूरा फॉर्म अगर आपको भरने का पूरा वन बाय वन एक डेमो वीडियो अलग से एक बनाना होगा, अगर आप नहीं फॉर्म भर पा रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म भर दूंगा, भरवा दूंगा हैंड टू हैंड, क्योंकि यहाँ पर मैं फॉर्म नहीं भर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि इस तरीके से आपको फॉर्म को भर लेना है पूरी तरीके से। कोई दिक्कत होती है तो बेझिझक आप वीडियो के नीचे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। अब यहीं पर आपको सिलेबस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिलेबस चाहिए तो सिलेबस के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये रहा इसका सिलेबस, आप जूम करेंगे तो आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। देन यहाँ पर अगर आप मैं बात करता हूँ नोटिफिकेशन, तो यहीं पर नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो जैसे अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो 12 अप्रैल 2000 से कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर देख ले, ऑनलाइन 22 मार्च से आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग डेट 12 अप्रैल 2021 है। यहाँ पर सारे डेट आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों क्वालिफिकेशन और दोनों ये आपको देखने को मिल जाएगा कि पे स्केल क्या है। तो जो ड्राफ्ट मैन की पे स्केल है वो 35,400 रुपए से लेके 1,12,400 होने वाला है, और सुपरवाइजर का 35,400 से 1,24,000 तक आपकी पेमेंट होने वाली है। एज 18 से 30, 18 से 30 दोनों में है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप रीड कर लेंगे। हालांकि ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पर और भी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो यहीं से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए कोई भी क्वेरी है, पे स्केल ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बता दिया था, दिखा दिया था, तो यहाँ पर दोबारा दिया हुआ है। देखिए और कुछ होता है तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, अदरवाइज इस नोटिफिकेशन को आप स्वयं डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। इलाहाबाद सेंटर जो भी है, पूरे 26 सेंटर हैं एग्जाम के लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर और कुछ देखने को मिल सकता है आपको, तो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके 4 पेपर्स होने वाले हैं, तो सब जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है, मिनिमम क्वेश्चंस है। उसके बाद ड्यूरेशन, जो टाइमिंग आपको मिलेगी 2 घंटा 40 मिनट का, उसी के बीच में ये सिलेबस वगैरह अलग से मैंने डाल रखा है, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। कोई समस्या होती वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है,
अब आइए देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन बता दिया, लॉगिन दिखा दिया, सर्विस सिलेबस दिखा दिया, नोटिफिकेशन दिखा दिया। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट यहीं से मैंने सारा क्रेडिट मैं इसी को देता हूँ, क्योंकि यहीं से इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आपको जितनी भी चीजें बताई वहां से नहीं करना, तो यहाँ से कर सकते हैं वही न्यू रजिस्ट्रेशन। अब पहले से रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ से दूसरे नंबर से आप लॉग इन कर सकते हैं। पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। अब फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है टॉप पर है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो नोटिफिकेशन वही डाउनलोड होके आ जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन काफी ब्लर है। हाउ टू अप्लाई, कपड़े कैसे करना है अप्लाई मैंने आपको बता दिया है, बट आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। इन केस कोई समस्या होती है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे इस सोशल मीडिया जो दिखे मैंने यहाँ दिया हुआ है, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।